फ्रेंड्स, मैं सीबू गेम पोर्टल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम जानेंगे स्टोरी एंटिटी 303 की। भाई माइनक्राफ्ट बहुत सारे लोगों ने खेला होगा, इसकी मिस्ट्रीज भी काफी लोग जानते होंगे। इस गेम को 10 साल पूरे हो चुके हैं, इसकी काफी सारी मिस्ट्रीज तो सॉल्व हो चुकी है, लेकिन कुछ अनसॉल्व मिस्ट्रीज है जिसमें से एक है एंटिटी 303। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम पहले से सुन रखा होगा, लेकिन जो नहीं जानते होंगे मैं इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकता हूं। तो भाई एंटिटी 303 हीरोब्राइन जैसा ही एक ईवल है जो आपके माइनक्राफ्ट सर्वर या फिर माइनक्राफ्ट गेम में आ सकता है। एक व्हाइट कलर का कैरेक्टर होता है जो पूरा ब्लैक होता है, जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं, इसकी आंखें लाल होती है और इसे सफेद कलर का हुड पहना होता है। और अगर गलती से ही भी ये आपको आपके वर्ल्ड में दिख गया तो आपकी खैर नहीं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। ये जब भी आपको आपके वर्ल्ड में दिखेगा तो आपको अजीब अजीब चीजें दिखेंगी। आपको फॉरेस्ट जलते हुए दिख सकते हैं, आपका घर भी जल सकता है, और ये आपके ऊपर हमला भी कर सकता है और आपको मार भी सकता है। आपको आपके पूरे वर्ल्ड में जगह जगह साइन बोर्ड्स दिखेंगे जिसमें हेल्प लिखा हुआ रखा रहेगा। कुछ लोग इसे नया हीरोब्राइन भी कहते हैं, क्योंकि हीरोब्राइन बहुत पहले माइनक्राफ्ट में आया था जब 2009 में गेम लॉन्च हुआ था, जबकि एंटिटी 303 पहली बार 2013 में दिखा था जब कुछ लोग एक प्राइवेट सर्वर में खेल रहे थे, तभी अचानक उनके घर में आग लग गई। उन्होंने समझा कि दूसरे प्लेयर्स की बदमाशी होगी जिसने घर जलाया है, पर बाद में सबसे पूछने के बाद पता चला कि ये अपने आप ही आग लगी थी। उन्होंने बाद में जब गेम की लॉक चेक किए तब उसमें दिखा कि एंटिटी 303 ने उनकी इन्वेंटरी यूज की और आग लगा दी। एक कहानी के मुताबिक एंटिटी 303 इतना पावरफुल था कि उसके हीरो ब्रायन से लड़ाई हुई, और कुछ लोग कहते हैं कि हीरो ब्रायन मारा गया उसमें, और कुछ लोगों का कहना है कि हीरो ब्रायन उससे हार गया। उसके बाद जगह जगह उसने बोर्ड लगाने चालू कर दिए हेल्प के, ताकि उसकी कोई हेल्प कर सके एंटिटी 303 को हराने में। तो फिर ये एंटिटी 303 का चक्कर क्या है, वो आया कहां से, और वो इतना पावरफुल कैसे है कि उसने हीरो ब्रायन को भी हरा दिया। पर कहानी स्टार्ट करने के पहले मैं एंटिटी 303 के बारे में एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप माइनक्राफ्ट 3 AM को खेल रहे हैं, यानी सुबह 3 बजे खेल रहे हैं, तो आपको आपके गेम में एंटिटी 303 के दिखने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ एंटिटी 303 की, कि वो कैसे गेम में आया। तो इसकी शुरुआत होती है मोजोंग कंपनी से, जहाँ माइनक्राफ्ट बनने की शुरुआत हुई, और काफ़ी साल तक इसमें डेवलपमेंट भी होता रहा। वहाँ एक नया एम्प्लॉय था जो वहाँ काम करता था, उसने कोडिंग के समय कुछ गड़बड़ी कर दी जिसके कारण इम्पोर्टेंट फाइल्स डिलीट होने चालू हो गए। उसने इस गड़बड़ी को छुपाना चाहा, जिसका पता नॉच को चल गया और नॉच ने उसे काम से निकाल दिया। नॉच बहुत गुस्से में था क्योंकि उस एम्प्लॉय ने उसके गेम में काफी गड़बड़ी कर दी थी। वह एम्प्लॉय दुखी हो गया और जाने लगा, लेकिन उसने ये ठाना कि वो चुप नहीं बैठेगा और इसका बदला जरूर लेगा। तो जाते जाते उसने कुछ ऐसा एरर बना दिया, कुछ ऐसी कोडिंग कर दी जो माइनक्राफ्ट को तबाह कर दे। तो इससे शुरुआत हुई एंटिटी 303 की, जो 2013 से ही लोगों को परेशान करता आ रहा है। वो आपके वर्ल्ड में घुस जाता है, माइनक्राफ्ट की दुनिया को तबाह करने लगता है और प्लेयर्स को मार देता है। हालांकि बहुत कम ही लोगों ने उसे देखा होगा, पर उसके किस्से बहुत लोगों ने सुन रखे हैं। हीरोब्राइन के बाद सबसे फेमस एंटिटी है ये माइनक्राफ्ट में। तो ये थी भाई कहानी माइनक्राफ्ट के एंटिटी 303 की। होप ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे दोनों चैनल्स यानी गेम पोर्टल 2.0 दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।